हेलो एंड ऑल ऑफ यू तो जनाब 192, 192 पे जाके ट्रेन रुक गई है मुंबई इंडियन की और आखिरी ओवर में विकटे गिर गई है रन उस तरह नहीं आए वरना दे वर ऑल सेट टू टच 200 तो बहुत अच्छा आखिरी ओवर निकाला जी पंजाब ने और 200 के नीचे नीचे रोक लिया आपको पता है कि मुंबई इंडियन की जरा बॉलिंग क्वेश्चनेबल है तो उनको 10-15 रन जरा ऊपर ही डालने पड़ते हैं एट पार टोटल से और एक सौ बानवे ठीक है बट 200 को टच होना चाहिए था जिस तरह की एंड पे विक्टम भी थी हाथ में लेकिन खैर एक के बाद एक एक के बाद एक विकटें गिरती गई और आखिरी ओवर में बस एल वो ब्लैक का चौका आया बस वही एक चौका आया वरना चौका नहीं आया तो गुफ्तु इस पे होगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तो वो तो बारिश की नजर ही हुआ हुआ है है अभी तक डिले चल रहा वहां पे टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने कहा जी पहले हम बैटिंग करेंगे तो तो अभी तक तो बारिश ही बैटिंग कर रही है बारिश रुकेगी तो फिर जाके कोई पता चलेगा न्यूजीलैंड किस तरह की बैटिंग करते हैं पाकिस्तान ने तीन डेब्यू करवाए हैं जो कि अच्छी बात है तो मौसम भाई ग्राउंड में गए हुए हैं अब देखो जाके कोई बारिश वगैरह कुछ थोड़ा रुकवाए वो और बारिश रुकेगी तो फिर कोई सिलसिला आगे बढ़ेगा मैच का तो उनसे अपडेट लेंगे बाकी फिलहाल तो वहां पे बारिश चल रही है और वो गए हुए हैं जनाब मैंने कहा आप जाइए जाके आप मैच है पिंडी शहर में जाना चाहिए जाके एंजॉय करें और जाके देख के आए मैच वगैरह तो इस वीडियो में तो नहीं अगली वीडियो में वो हमारे साथ मौजूद होंगे हाँ जी तो अब बात करते हैं जी पंजाब और मुंबई की तो मैंने ये पोल भी डाला हुआ है एक सौ बानवे को क्या मुंबई इंडियन डिफेंड कर लेगी कि नहीं और पचपन परसेंट लोग कह रहे हैं कि यस दे तो मैं भी ये पचपन वाली साइड पे हूं वैसे ऐसा नहीं कि आज मुंबई इंडियन मेरी टीम है और पंजाब आज मोसलबाई की टीम है तो इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि जी ये पचपन परसेंट अ, मैं पहले भी बोला था सुबह भी मैच से पहले भी कि पचपन परसेंट मुझे लग रहा है कि ये मुंबई इंडियन फेवरेट है

बारहवें तेरहवें चौदह ओवर के बीच बीच में बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की तिलक वर्मा और सूर्या कुमार यादव देवर देर लेकिन ऑलमोस्ट उतनी गेंदे सिलसिला ढाई तीन ओवर तक चलता रहा तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेके लगी बीच में लेकिन खैर एंड पे तिलक वर्मा अच्छा खेल गया और टिम डेविड ने भी जो थोड़ी सी गेंदे खेली है तो उसका भी अब जाहिर है जब गेंदे पांच सात रह जाएंगी तो आपने हर गेंद भी मारना तो उस चक्कर में वो एक दो अच्छे से चौका छक्का मारा और अच्छी कंट्रीब्यूशन करके गया एंड पे रोहित शर्मा वंस अगेन ही वाज लुकिंग गुड ही वाज लुकिंग सॉलिड आज तो एक आध का छक्का भी मारा हर्षल पटेल ने बहुत ही अच्छा पेस खींच के डिसेप्टिव किस्म की स्लो डिलीवरी करवाई थी और वो डिसेप्टिव स्लो डिलीवरी को थोड़ा सा पढ़ पाए रोहित शर्मा थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए और बल्ला घुमाया और एंड पे एक ही हाथ से फिर बल्ला घुमा क्योंकि गेंद काफी स्लो थी लेकिन उसकी पावर चेक करिए स्टेट की अच्छी सत्तर से ऊपर के मीटर की लग रही है तो सत्तर के ऊपर से मीटर की जो बाउंड्री है वो फील्डर पीछे ही था वो देखते ही रहेगा कि आएगी 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 और आई आए। लेकिन उसके ऊपर से गई और छक्का रोहित शर्मा ठीक बारी गई है मतलब पच्चीस गेंदों पे छत्तीस एक का स्ट्राइक रेट तीन छक्के दो चौके और छके मतलब तीन मारे दो चौके भी तो थोड़ा सा और बीच में एक्सिलेशन हो जाती तो बेहतर होता बट नॉट बैट पच्चीस रोहित शर्मा आई पी एल में आ, पिछले मैच में सो भी आया खैर मैच वो जो भी हुआ उससे पहले भी जो बारियां खेली है Pace, जो अच्छी बात है स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए तो रोहित शर्मा ही लुकिंग गुड अच्छे रन कर रहा है बीच में अगर हम बात करें करेंटिको दी प्लेस तो फिर वो थर्ड मैन पे कैच आउट हो गया बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर तेज खेलने के चक्कर में जाहिर है किसा ही खेलना चाहिए बाकी 18 पे 34 तिलक वर्मा ने बहुत अच्छे खूबसूरत शॉट्स खेले बीच में कुछ ही स्ट्रगलिंग अ बिट वो जो अर्ली फेज था जिसमें आ, मैंने बताया आपको बारवा तेरवा चौदवा ऐसा कुछ ओवर तो बारह पंद्रह बीच में हालांकि तो तो फिर भी मतलब अठारह गेंदों पे चौतीस यानी अगली दस गेंदों पर इसने बाईस चौबीस रन बनाए तो अच्छा तिलक वर्मा डिड वेल फॉर दम डेविड इज गुड एज ऑलवेज उसका तो स्ट्राइक रेट ये रहता है दोस्तों का और यही काम है जो आप नंबर पांच पे नंबर छह पे आते हैं बैटिंग करने के लिए दिस मुंबई मोर देन फिफ्टी रन सिंह जी मुंबई मुझे लगता है जीतेगा लेकिन फिफ्टी रन ज्यादा है अः बाकी देखते हैं कि क्या कहानी होती है मोहित कह रहे हैं हेलो रिस भाई कैसे हो वैसे आज रोहित और स्काई काफी स्लो खेले बस तिलक आ, ठीक खेला है और हार्दिक अगेन डिस और हार्दिक ने कोई मतलब खास नहीं किया मतलब छह घंटों पे दस ठीक है नॉट बैड एंड पे आके मतलब ऐसे ही बंदा तेज खेलता है ना उस चक्कर में आउट भी हो जाता है तो ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है एक और एक का स्ट्राइक रेट Uh, बुरा नहीं होता अच्छा होता है डिसेंट होता है लेकिन त्रिपन गेंदों पे ढत्तर था तो ही वॉज लुकिंग ऑल सेट के ये सात आठ गेंदे और खेलता तो शायद अपना सो कर लेता। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ रोहित शर्मा का और फिर उस फेज में ये सॉरी स्काय का लेकिन आप इसको स्लो इनिंग तो डेढ़ आप देखें आप ये जमाना आ गया कि डेढ़ वाले स्ट्राइक रेट को भी हम कहते हैं जी ये स्लो है ये सुस्त है एक सौ सैंतालीस वाला एक सौ पैंतालीस वाला स्ट्राइगे भी हमें हल्का लगता है बट इट वेरिज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड फ्रॉम पिच टू पिच फ्रॉम अपोजिशन टू अपोजिशन ये सारी जो कैलकुलेशन है ना ये करते हुए फिर हम ये नतीजा आखिज कर, कर सकते हैं कि बाकी सलो खेला है या ठीक खेला तो इस ग्राउंड में दो सौ तो अभी तक बना नहीं है वह अभी आज भी नहीं बना एंड पे बनते बनते रह गया इस ग्राउंड के हिसाब से ये अच्छा टोटल है 180 एट पार है यहाँ पे मेरे ख्याल में, में 170 80 के बीच का तो इन्होंने जो बॉलिंग माशाल्लाह कोई बुमराह को छोड़ के बाकी बस गुजार ही है तो उन्होंने ऊपर जो 10 15 रंस दाई वो डाल दी है तो बाकी आपकी जो बात है पंजाब जीतेगा तो मुझे लगता है मुंबई अभी फेवरेट है इतने रंस बोर्ड पे डालने के बाद लेट्स सी क्या बनता है सिलसिला सलाम रिजान मिस्टर पी लाल साहब मिस्टर पी लाल साहब तो गए हुए हैं पिंडी स्टेडियम बारिश रुकवाने के लिए बारिश नहीं रुक रही सो आई विल बी विली सरप्राइज पंजाब कैन गैट दिस स्कोर ऑल दो मुंबई इंडियन शुडीन बट दिस इज स्टिल इनफ और चौदह और उन्नीस का जो आज पॉइंट्स पे आ, हो जाएगी बढ़त हो जाएगी जी आई एम कॉन्फिडेंट की आज बढ़त हो जानी चाहिए और बात आपकी सही है और के 200 को तो टच करना चाहिए था 200 के काम पार ही जाना चाहिए था नीचे नहीं रुकना चाहिए था लेकिन खैर आखिरी ओवर एक्सेप्शनल डाला उसने कोई मार मुर नहीं खाई आउट भी करता रहा आउट मतलब के मतलब डॉट बॉल भी आती नहीं तो टेक्निकली देखें अब देखने में सात आउट है लेकिन दो तीन तो आखिरी ओवर भी हुए तो जब आपके तीन चार खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपको 200 को तो छूना ही चाहिए 200 तो से ये जो कम है दस बारह रन्स वो बात ठीक है आपकी दे शुड हैव टच 200 बट स्टिल आई बिलीव इट इज गुड है एक सौ बानवे कोई बुरा नहीं है अच्छा टोटल है और जो हमने पोल भी डाला हुआ है उसमें छप्पन परसेंट कह रहे हैं कि यस दे विल पचपन छप्पन वही है और ऊपर नीचे हो रहा है कि दे विल डिफेंड कर लेंगे डिफेंड कोई टेंशन वाली बात नहीं और लेट्स सी बुमराह कौशी गोपाल बीच में शेफर्ड को तो, अब इसको बॉलिंग करवाएगा ये तो फिर बिड़ा करवाएगा अपना ये मैक्सिमम सिचुएशन देख के अगर विकटें गिरी हुई है थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में आप गुजार दो शेफर्ड का एक आधा ओवर एक या बहुत अगर इमरजेंसी है बहुत ही अत लगी हुई है और नहीं बर्दाश्त हो रहा है कुछ दो ओवर करवाने करवाने तो दबे कोई एक आदि एक दो गिरे थोड़ा सा प्रेशर आए उधर के इसको निकलवा दो जब भी अगली टीम इफ दे आर लुकिंग टू एक्सिलेट शेफर्ड इज नॉट द बॉलर टू हैंड ओवर द बॉल तब इसको बॉल नहीं देनी तब हुमरा को बॉलिंग दो विकेट टेकर को और जिसका कोई प्रेशर हो कोई रोब हो कोई दबदबा हो बैट्समैन पे तो ये शेफोर्ड भाई साहब के बस की बात नहीं है तो इसको इसके पांड्या ही हैज बॉलिंग ऑप्शंस ठीक ठाक है इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस और बाकी देखते हैं कि ये सूर्या कुमार यादव को इन्होंने बाहर भेज दिया है मधवाल आ जाएगा बुमरा है गोपाल कौटी नबी शेफ खुद हार्दिक पांड्या तो सात सात बॉलिंग ऑप्शन है तो अब इसको चाहिए कि यह बॉलिंग रिसोर्सिस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज ये इसको बीच में समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना किस बॉलर को ओवर देने हैं किसको नहीं देने ये वाली पिच फास्ट बॉलर्स दे आर टेकिंग विकेट्स तो वी ए कनेक्ट होप एंड एक्सपेक्ट बुमराह टू डू वंडर्स व्हाट ही डज ऑलवेज टू टेक अ फ्यू विकेट्स हम पंजाब के पर्सपेक्टिव से बात करें चूंकि जाहिर है दो टीमों का मैच हो रहा है ना वो तो हमने आपस में जरा बात होती है जी हाँ जी कौन सी टीम है आपकी कौन क्या करेगा और कैसा वो सिलसिला होगा तो पंजाब के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो सैम करन ओवरऑल ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है आखिरी ओवर में बिट गया लेकिन अच्छे इसने ओवर दो आउट भी किए हर्षल पटेल वॉज द गाय टूडे इकतीस तीन ओवर आखिरी ओवर में तो बिल्कुल कंजूसी से कोई रन ही नहीं दिया तीन आउट कर गया ओवरऑल और हरप्रीत तीन में इक्कीस ही लुकिंग गुड वगैरह आ गया फिर इसका एक ओवर उसने कम दिया कहा तो इसको क्या ओवर देना है दे आर लुकिंग टू रबाडा रबाडा एक्सपेंसिव को जो सूर्य कुमार यादव ने फाइन लेग like के ऊपर से छक्के मारे हैं अ ब्यूटिफुल शॉट बहुत ही खूबसूरत शॉट है वही और वो उसका पक्का शॉट है उधर से वो छोड़ता नहीं रबाडा को अच्छी फैंटी लगाई है सूर्य कुमार यादव ने 141-145 बीच का पैंतीस उसमें तो फिर अच्छे चौके लगते हैं तो वो ही जिन्होंने थोड़ा सा सौ को खींच के, तो मतलब के बीच में तो टोटल बनवा ही रहा है जिस दिन हैदराबाद उन्होंने अच्छा रोक लिया था शुरू में तब भी बनवा दिए थे मतलब क्लासर नहीं चला अभिषेक नहीं चला हेड नहीं चला फिर भी इन्होंने उस टीम से भी एक तब बनवा दिए थे तो बाकी फिर क्या बात है बैटिंग में ठीक है पंजाब ने दो सौ किया ऐसी टूर्नामेंट में और एक जिस मैच की मैं बात करूं हैदराबाद को बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से 180 तक पहुंच गए थे एंड पे तो शशांक सिंह और अशुतोष उन्होंने आके इनकी टीम में एक एनर्जी फूंक दी है एक बिल्कुल जिस चीज की जरूरत थी क्योंकि ऊपर से शिखर धवन वगैरह टेकिंग लॉट ऑफ़ टाइम पे जिस तरह ब्रिस्क किस्म की एक एनर्जी वाली इनिंग्स चाहिए तो वो दोनों खेलने सी, बात तो मुझे लगता है वहां तक पहुंचेगी पहुंचेगी सो देखते हैं कि क्या बनता है इस सिलसिला और आज जी ये हुआ कहानी के श्यामकरण ओपनिंग कर रहा ठीक है, है चौका मार दिया प्रभरन सिंह अच्छा जी एक आ, अच्छा जी छुट्टी भी हो गई है।, है ये क्या हुआ भाई अरे भैया ये क्या हुआ पांच वाइड तो के दिए में माशाल्लाह से वाह तो तीसरी गेंद पे प्रभसिमरन सिंह साहब छुट्टी हो गई किशन ने कह रहा अच्छा कैच पकड़ा खैर मैं भी जा रहा हूं नीचे मैच ही देखने शेफर्ड तो आप बैटिंग में कुछ नहीं कर यार जब आप के दो तीन गेंदे देते हो ना उसमें फिर आप आ, क्या एक्सपेक्ट करते हो जाहिर है कोशिश करेगा मारने की आउट हो जाएगा कोई बारह पंद्रह गेंदे मिले फिर बंदा अपने जो कोई जौहर दिखाता है अब दो तीन गेंदों देखिए तो उसके साथ जाती है जो भी है बंदा दो या तीन गेंदें कोई अच्छा कोई यार्कर मारते अब कहेंगे जी आये देखे दो गेंदें तो एक स्कोर किया है तो पढ़ी यार्कर गया उसको यार्कर लेंथ पे वो क्या करे <avaas> खैर चले देखे मैच और पाकिस्तान तो उधर तो तो बारिश ही हो रही है फिलहाल तो पाइस तो टेकर स्टॉल अराउंड द पार्क न छुट्टी है जाओ देखो मैच जीए फिर ये वाला मैच हाँ जी हाँ जी हाँ जी पचपन परसेंट पक्के लोग रुके हुए एक हजार से ज्यादा लोगों ने वोट किया पचपन परसेंट कह रहे हैं जी मुंबई जीत जाएगा तो ठीक है मैं पचपन लोगों के साथ मिलते हैं, हैं आपसे फिर आफ्टर द मैच ठीक है बाय बाय